See? Yeah. Yeah. Okay. And always remember, अपने आप को घर के अंदर बंद करके यानी कि socially isolate करके आप किसी की जान बचा सकते हैं. The past 2 weeks, the number of cases. Coronavirus in. वो है Table Mountain, Cape Town का सबसे important landmark. But आज हम Cape Town या फिर Table Mountain के बारे में बात नहीं करेंगे. हम बात करेंगे coronavirus के बारे में. So once the coronavirus passes, while the border is shut down, the EU will be closing its borders to all non-EU. Coronavirus एक infectious disease है, जो कि एक virus, जिसका नाम coronavirus है, उसकी वजह से होता है. जो official term है इस बीमारी का, वो है COVID-19. फीवर, थकान, ड्राई कफ, नेजल कंजेशन, गले में दर्द, जुखाम, सांस लेने में तकलीफ. जो लोग 60 प्लस हैं या उनको कोई पहले से एक मेडिकल कंडीशन है, फॉर एग्जांपल हार्ट प्रॉब्लम, लंग प्रॉब्लम, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, HIV एंड एड्स, इन लोग को ज़्यादा चांस है कोविड होने का कंपेयर टू एक किसी यंग आदमी को या किसी बच्चे को. तकरीबन 80% लोग जिनको COVID-19 होता है वो रिकवर हो जाते हैं विदाउट एनी स्पेशल ट्रीटमेंट, बट 6 में से 1 बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाता है और उसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, एंड ही एंड शी डेवलप सम डिफ़िकल्टीज इन ब्रीदिंग. COVID-19 पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन से फैलता है, यानी कि ड्रॉपलेट्स जो कि आपके नाक और मुंह से बाहर निकलती हैं, उनकी वजह से ये दूसरे आदमी तक पहुंचता है. अगर आप किसी के बिल्कुल नज़दीक खड़े हैं और उस आदमी के मुंह से या नाक से वो वायरस की ड्रॉपलेट्स निकली हैं, तो वो दूसरे आदमी उसको इनहेल कर लेगा और उसको वो वायरस पहुँच सकता है. या फिर ये ड्रॉपलेट्स किसी ऑब्जेक्ट पे जाके गिर जाएंगे और वहाँ पे अगर आपने जाके टच कर लिया तो भी आपको ये पहुँच सकता है. और इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप 1 मीटर यानी कि 3 फिट दूर रहें. 3 फिट मतलब 1, 2, 3, इतना डिस्टेंस होना चाहिए आप में और दूसरे इंसान में. कितनी देर तक कोरोना वायरस किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर गिर जाता है तो खतरा रहता है उस ऑब्जेक्ट को टच करने का? वेल, इसका आंसर किसी को मालूम नहीं है. डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट क्या है. वो ऐसा सॉलिड ऑब्जेक्ट है कि एक मास्क है कि किसी लकड़ी के ऊपर पड़ा है. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एंड ह्यूमिडिटी. तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, आप किसी भी चीज़ को डायरेक्टली अगर हाथ लगा रहे हैं, जैसे कि लिफ्ट का बटन, घर का दरवाज़ा, तो मेक श्योर आप उस जगह को पहले साफ कर लें डिसइंफेक्टेंट से, फिर उसको यूज़ करें या उसको टच करें. अपने हाथ अच्छे से धोइए, हैंड सैनिटाइजर से उनको साफ कीजिए या साबुन से ढंग से 20 सेकेंड तक अपने हाथों को धोइए. मेंटेन एटलीस्ट 3 फिट डिस्टेंस फ्रॉम अदर इंडिविजुअल हु इज एट द रिस्क ऑफ गिविंग यू द वायरस. 1, 2, 3. अपनी आँख, नाक और मुंह को अपने हाथों से टच मत कीजिए बिना हाथों को धोए और ढंग से साफ किए. इस बात का ध्यान रखिए कि आप और आपकी चारों तरफ जो लोग हैं, आपके दोस्त और घर वाले, वो रेस्पिरेटरी हाइजीन का ध्यान रखें. उसका मतलब है जब आपको खांसी या छींक आए तो एक टिश्यू पेपर लेके अपनी एल्बोज को ऐसे बेंड करके उसको अपने मुंह से कवर कर लीजिए, और जब आपकी खांसी या छींक ख़त्म हो जाए उस टिश्यू पेपर को फोल्ड करके ढंग से डिस्कार्ड यानी कि डस्टबिन में फेंकिए. और उस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए कि उसकी जो सिक्रीशंस हैं आपके अंदर से जो बाहर आई हैं, जो ड्रॉपलेट्स हैं, उसके अंदर वायरस हो सकता है अगर आप बीमार हैं, तो वो कहीं इधर उधर ना फेंकें, उसको ढंग से एक डस्टबिन में प्रॉपरली सील्ड करके फेंकें. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम जैसे लोग जो यंग हैं, हो सकता है कि हमारे अंदर से कोई साइन या सिम्टम्स ना हो बीमारी के, लेकिन हमारे अंदर फिर भी वायरस हो और हमारी वजह से वो किसी बीमार आदमी या किसी बुजुर्ग को लग जाए, तो आप 5 से 6 दिन में आपके जो सिम्टम्स हैं वो बाहर आने लगते हैं वायरस के कॉन्टैक्ट में आने के बाद. और उन 5-6 दिन में जब आपके सिम्टम्स बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं, आप अपने डे टू डे एक्टिविटी कंटिन्यू रखते हैं, ऑफिस जाते हैं, मार्केट जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं, जिम जाते हैं, और उन 5-6 दिन में जब तक आपके सिम्टम्स नहीं आते हैं, आप हज़ारों लोगों को वो वायरस ट्रांसमिट कर सकते हैं. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जैसे यंग लोग अपने आप को आइसोलेट करके रूम के अंदर रखें. एंड ऑलवेज रिमेंबर, अपने आप को घर के अंदर बंद करके यानी कि सोशली आइसोलेट करके आप किसी की जान बचा सकते हैं. And stay home.
Okay. See? Yeah. Yeah.